कमजोर मॉनसून की वजह से इस सप्ताह भी खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल जैसी रफ्तार नहीं पकड़ रही है। साल 2021 के मुकाबले इस बार फसलों की बुआई 9.27% की कमी है। बुआई 41.57 लाख हेक्टेयर पीछे है। पिछले साल यानी 2021 में 448.23 लाख हेक्टेयर में किसान फसल बो चुके थे, लेकिन इस साल 8 जुलाई तक ये सिर्फ 406.66 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई है। धान और तिलहन फसलों की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं विशेषज्ञ इसकी वजह से बारिश की कमी की बात कर रहे हैं। वहीं पूर्वी यूपी बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में कम बारिश की वजह से खेती पिछड़ रही है। यहां मॉनसून कमजोर, कुछ जगहों पर किसानों को खुद से पंप सेट से पानी चलाकर धान की रोपाई करनी पड़ रही है, जो उन्हें महंगी पड़ रही है क्योंकि डीजल काफी महंगा हो चुका है। वहीं कॉटन की बुआई लगभग पिछले साल जितनी हो चुकी है। गन्ने की बुआई का काम भी बहुत रफ्तार से चल रहा है। बाजरा की बुआई पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुकी है। ज्यादातर खरीफ फसलों की बुआई बारिश पर निर्भर होती है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 7 जुलाई तक सामान्य से 53% कम बारिश हुई थी। पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में बहुत कम बारिश हुई थी, ऐसे में यहाँ पर धान की खेती काफी पिछड़ी हुई है। बासमती धान के बेल्ट पश्चिमी यूपी में भी बारिश कम हुई, जिसकी वजह से धान की बहुत बुआई प्रभावित हुई है। वहीं खरीफ सीजन 2022 में 8 जुलाई तक 72.24 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है, जबकि 2021 में 8 जुलाई तक ये 95 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई, यानी इसमें करीब 23.95% की कमी है, जो 22.75 लाख हेक्टेयर की कमी को दर्शाता है। वहीं धान सबसे ज्यादा पानी खपत करने वाली फसलों में से एक है, इसलिए इसकी रोपाई के लिए किसान आमतौर पर बारिश का इंतजार करते हैं। सभी दलहन फसलों को मिलाकर बात करें तो बुआई में पिछले साल के मुकाबले 0.98% का इजाफा रहा है। साल 2021 में कुल दलहन फसलों की 46.10 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जबकि इस बार 46.55 लाख हेक्टेयर की हो चुकी है बुआई। हालांकि अरहर की बुआई में 28.58% की गिरावट है। पिछले साल यानी 2021-22 में 23.22 लाख हेक्टेयर में अरहर की बुआई हुई थी, जबकि इस बार 16.58 लाख हेक्टेयर में ही ये हुई है। वहीं उड़द की बुआई में 10.34% की कमी आई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार मूंग की बुआई इस साल 16.02 लाख हेक्टेयर में हो चुकी, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक सिर्फ 11.65 लाख हेक्टेयर में ही हुई, यानी इस बार इसमें 37.47% का इजाफा हुआ है। अन्य दलहन फसलों की बुआई में 135.12% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मोटे अनाजों की बुआई भी पिछले साल से अधिक हो चुकी है। इस साल 65.31 लाख हेक्टेयर में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और स्मॉल मिलेट्स की बुआई हुई है, जबकि 2021 में 8 जुलाई तक सिर्फ 64.36 लाख हेक्टेयर में ये हुई थी। बाजरा की बुआई पिछले साल के मुकाबले इस बार बता दें 79.26% अधिक है। हालांकि मक्के की बुआई 23.53%, जबकि रागी की 47.44% पिछड़ी हुई है। वहीं बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक तिलहनी फसलों की बुआई में लगभग 20.26% की गिरावट है। साल 2021 में 8 जुलाई तक 97.56 लाख हेक्टेयर में मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल सीड, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों की बुआई हो चुकी थी, जबकि इस साल सिर्फ 77.80 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। सोयाबीन की बुआई में 21.74% की कमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश में देरी हुई, इसकी वजह से बुआई के लिए खेतों में नमी की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।